ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण में सातवें मंत्र का भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिरी की तरफ है। मंत्र दोबारा पढ़ लेते हैं और कहां से भाष्य पकड़ना है ये बता देते हैं। तद ह इदम तरहि अव्याकृतम आसीत तद नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप इति तद इदम अपि एतर्हि नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति स एष य प्रविष्टः आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुराक्षुरधाने अवहिता स्यात् विश्वंभरो वा विश्वंभर कुलाये तम न पश्यन्ति अकृष्णो हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति वदन वाक् पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम् मन्वानो मनः तानि अस्य एतानि कर्मनामानि एव स यो एता एकैकम् उपास्ते न स वेद अकृष्णो हि एषो अत एकैकेन भवति आत्मा इति एव उपासीत अत्र एते सर्वे एकं भवन्ति तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य यद् अयम् आत्मा अनेन हि एतत् सर्वं वेद यथा वै पदेन अनुविन्देत् एवं कीर्तिम श्लोकम विन्दते या एवं वेद। ये जो हम देख रहे हैं ये उत्पत्ति से पूर्व अप्रकट था और नाम और रूपों में से ही प्रकट हुआ है भगवान स्वयं, इसका ये नाम है ये रूप है। इस प्रकार तो आज भी जो भी हम प्रकट देखते हैं ये नाम और रूपों में से ही भगवान की अभिव्यक्ति है, ये नाम है ये रूप है, इसी में फर्क दिखता है हमको। और ये जो दुनिया इसमें भगवान तो घुसे हुए हैं ही, बिल्कुल सिर के बाल से पैरों के नखों तक, जैसा छुरा छुरे के बॉक्स में रहता है, जैसा अग्नि लकड़ी में रहता है, पर उसको लोग देखते नहीं हैं। और जो देखते भी हैं थोड़ा तो वो अपूर्ण होता है। जब हम श्वास लेते हैं तभी हमें प्रतीति हो सकती है कि वो श्वास ले रहा है, तो उसका नाम प्राण हो जाता है। हम जब बोलते हैं तो उसका नाम वाणी हो जाता है, हम देखते हैं तो उसका नाम आंखें हो जाता है, हम सुनते हैं तो उसका नाम कान हो जाता है, हम सोचते हैं तो उसका नाम मन हो जाता है। ये सारे उसके हमारे कर्मों के अनुसार बने हुए नाम हैं। इसमें से एक एक पकड़ करके कोई उपासना करेगा वो ठीक नहीं जानता उसको, क्योंकि ये तो सीमित होते हैं, अपूर्ण होते हैं। और ऐसे एक एक इसके गुण धर्म से उपासना जो करेगा तो वो एक वन साइडेड या इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। इसलिए मुख्य संदेश जो इतना कि आत्मा है ये हमारा, ऐसे ही उपासना करनी चाहिए। इसमें ये सारे एक हो जाते हैं, आत्मा में हमारे देखने वाला सुनने वाला सारे एक हो जाते हैं, कर्म करने वाला भी श्वास लेने वाला भी। और इसी के मार्फत हम ढूंढ सकते हैं बाकी सबको, जैसे किसी पशु का खुर देख के ढूंढ लेते हैं वैसे। तो ये आत्मा है, इसमें से हम ये देखने वाला सुनने वाला सब ढूंढ पाएंगे। इस आत्मा है में से सब जान भी लेंगे हम, यहां तक हमारा हो चुका है और इसकी सारी शंकाएं आचार्य दूर कर चुके हैं।
उपासना का स्थान भी बता चुके हैं। वो बड़ा महत्व का संदेश था कि जब अपने आप ही ज्ञान होता है तो फिर उपासना क्यों करनी है। अपने आप ज्ञान होता है पर पुराने संस्कार हमारे जो प्रबल होते हैं वो उसको नहीं होने देते। भोग के संस्कार हमारे कितने जन्मों से अनादिकाल से चल रहे हैं, इसलिए उनका जोर ज्यादा होता है और इसलिए हमको उपासना करके वो ज्ञान जो हो रहा है सुन करके उसको पनपाना पड़ता है, जोरदार बनाना पड़ता है। एक जगह है ना, शरम ही उपासना निश्चितम संदेहित, जो बाण इसका वेधन करेगा उसको उपासना करते हुए धारदार बना लेना पड़ता है। तो इसलिए गीता में भी असंग शास्त्र ने दृढ़ न छित्वा तथा पदंत परिमार्गित अव्यम। तो इसलिए ये उपासना का साधना का स्थान है मानसिक रूप में। और जब जब हो जाता है तो जैसे खुर से कोई चीज अनुविंदित, अनुविंदित माने पा लेते हैं, अनुविंदित माने वो मिल जाता है, एवं इसी प्रकार ये आत्मा है इसमें से ये मिल जाएगा। और फिर इस तरह से जो करेगा उसको कीर्ति और यश ये भी मिल जाएगा। एक गौण फल के रूप में है उपासना, इसलिए पर आचार्य कहेंगे इसका भी अर्थ हम करेंगे तो ज्ञान ही हो जाएगा। अब इतना सब समझने के बाद बचा ये है यहाँ पर प्रश्न कि अभी तक जानने 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 की बात चल रही थी, पाना कहाँ से आ गया। अनुविंदित माने पा लेते हैं, लाभ कर लेते हैं उसका, तो ये जानना जानना चल रहा था, इसमें पाना कहाँ से आ गया, ये सवाल है। तो ये प्रश्न उठाया है, ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यत् ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृते कथम लाभो अप्रकृत उच्यते इति। मैंने पहले तो आत्मा को जानने से सब कुछ कैसे जाना जाता ये पूछा था, उसका स्पष्टीकरण हो गया था कि आत्मा ही सब कुछ है, बाकी तो नाम रूप है। आप कह रहे हैं कि आत्मा को जानने से सब कुछ दूसरा भी जान लिया जाता है, ऐसा प्रसंग तो ज्ञान का चल रहा है, तो जिसका प्रसंग ही नहीं चल रहा है ये लाभ कहां से बता दिया। इसको आचार्य समझा रहे हैं, न ज्ञान लाभयोर एकार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्। ये चीज ऐसी है कि जानना माने पाना, पाना माने ही जानना, ये अलग अलग है ही नहीं। जानना और पाने का अर्थ एक ही है, यही बताना है, इसलिए ये पाने की बात आ गई। आत्मनो ही अलाभ हो, जो हमें आत्मा का लाभ नहीं हुआ है आज, ये अज्ञानमय हो, ये हमारा अज्ञान के कारण ही है। तस्मात ज्ञानमय हो आत्मनो लाभ, आत्मा को जानना माने ही पाना, क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप के स्वरूप जानेंगे ना हम, तो पाना हो गया हमारा। न अनात्म लाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मा लाभ, जैसे हम आत्मा नहीं है, कोई बाहर का ऑब्जेक्ट है कोई, वो हमें हमारे पास नहीं है, फिर हम उसको प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं है ये लाभ। आत्मा का लाभ ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है और हम प्राप्त करेंगे उसको। लब्ध लब्धव्य भेद अभाव, जो पाने वाला और पाने की चीज इसमें भेद ही नहीं है, यहां पर स्वरूप है हमारा। यत्र आत्मनो अनात्मा लब्धव्य भवती, जहां मुझे खुद को मैं खुद नहीं हूं ऐसी चीज पाना होता है, तत्र आत्मा लब्धा लब्धव्य अनात्मा, वहां पाने वाला मैं होता हूं और पाने की चीज मैं नहीं होती। सच अप्राप्त उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहिता कारक विशेष उपादान न क्रिया विशेषम उत्पाद्य लब्धव्य, उसको या तो उत्पन्न करना पड़ता है या कोई चीज बदल के दूध से बदल के दही बनाना पड़ता है या कोई चीज
शुद्ध कर लेनी पड़ती है या प्राप्त नहीं है वो पा लेनी पड़ती है। तो ये उत्पाद आदि तो ये क्रिया करनी पड़ती है और क्रिया करने के बाद वो मिलता है। और क्रिया में बहुत से दूसरे फैक्टर्स होते हैं, कारक विशेष उपादान है ना, क्रिया विशेषम उत्पाद्य लब्धव्य, ऐसा पाना होता है। बाहर का जो पाना होता है वो नई चीज बनानी पड़ती है, मिट्टी से घड़ा बनाना पड़ता है और नहीं तो बदल लेना पड़ता है, दूध से दही बनाना पड़ता है या फिर सोने को गला करके शुद्ध कर लेना पड़ता है या फिर कहीं दूसरी जगह वस्तु, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो पैसा मिल जाता है हमको, ऐसा किसी क्रिया और क्रिया के फैक्टर से क्रिया विशेष करके हमको वो प्राप्त होता है। सतु अप्राप्त प्राप्ति लक्षण अनित्य, और ऐसे जो भी चीज होगी जो मिली नहीं और मिलेगी वो अनित्य होगी, वो हमारे पास परमानेंटली नहीं होगी, क्योंकि हमें और उसमें तो भेद रह जाएगा ना। मिथ्या ज्ञान जनित काम क्रिया प्रभावत्वात्, यानी हमारे गलत ज्ञान के कारण हमारे में डिजायर इच्छा है, इच्छा के कारण ने ये काम किए और ऐसा वो उत्पन्न हुआ है तो अनित्य ही होगा ना। इसका उदाहरण दे रहे हैं स्वप्ने पुत्रादि लाभवत, स्वप्न में हमारा बेटा हो गया, अब स्वप्न चला गया तो वो भी कट जाएगा, इसलिए बाहर की चीज मैं इसमें आपको जबरदस्त उदाहरण देता हूं। जैसे रुक्मिणी इत्यादि, उन्होंने भगवान कृष्ण को पति रूप में पा लिया, अब योग्य हो गया ना, बाद में भगवान लीला संवरण करके चले गए तो इनका वियोग हो गया। पर अगर गोपियों ने राधा ने उनको अपने हृदय में अपने स्वरूप के रूप में जाना है, अब वो कहीं नहीं जा सकते, ये पाना नित्य पाना है, वो पाना अनित्य पाना है। अयम तो तद विपरीत आत्मा, यह हमारा स्वरूप है ना, तो ये प्राप्त नहीं है बाहर से पाना, ऐसी चीज ही नहीं है, अज्ञान है हमारा, इसलिए पाया नहीं हमने। आत्मत्वादेव न उत्पाद्यादि क्रिया व्यवहिता, यह हमारा स्वरूप होने के कारण हमको कोई क्रिया करके पाने की चीज नहीं है। ये नित्य लब्ध स्वरूपत्व अपि सती अविद्या मात्रम व्यवधानम, ये तो नित्य हमारा है किंतु हम जानते नहीं है, यही बाधा है, यही व्यवधान है। यथा गृह्यमाणाया अपि शुक्तिकाया विपरेण रजता भाषाया अग्रहणम विपरीत ज्ञान व्यवधान मात्रम, वो सीप है, सीप तो हमने देख ली, बाहर को उदाहरण दे रहे हैं, अब उसमें चांदी का आभास हो रहा है तो सीप नहीं पाई हमने, मैंने व्यवधान है, उल्टा ज्ञान हमारा। तथा ग्रहणम ज्ञान मात्र में वो, और जब जान लेते हैं कि सीप है तो पा लिया हमने, मैंने बाहर की चीज है पर उदाहरण के लिए दे रहे हैं। विपरीत ज्ञान व्यवधान अपोहर्थत्वात् ज्ञानस्य, और ज्ञान ये चीज है सही ज्ञान कि जो गलत ज्ञान को हटा देगा। एवं यहापि आत्मनो अलाभो अविद्या मात्र व्यवधानम, ये उदाहरण लेके बता रहे हैं कि यहां पर भी आत्मा का जो लाभ है ये तो अविद्या मात्र इसमें बाधा है। तस्मात विद्या तो दपोहन मात्र में वो लाभो, विद्या से अविद्या को निकाल देना यही आत्मा का लाभ है। नान्य कदाचित अभी उपपद्यते, और दूसरे किसी प्रकार से अपने स्वरूप का लाभ हो ही नहीं सकता हमको, मैंने कर्म करके जो पाते वो बाहर की चीज है, वो अनित्य ही होगी, वो तो सपने में प्राप्ति के समान होगी। पर जो हमारा स्वरूप है वो हमारा गलत ज्ञान बाधा बना हुआ है, और ज्ञान पाने से वो गलत ज्ञान चला जाएगा तो हमको मिल जाएगा, ये दूसरे किसी प्रकार से नहीं मिलने वाला।
तस्मात आत्मलाभे ज्ञानात अर्थांतर साधनस्य अनर्थक्यम वक्षामा। इसलिए हम बताएंगे कि दूसरा कोई साधन इसमें कहां से आ रहा है। आत्मलाभ में ज्ञान ही एकमात्र साधन है, दूसरा साधन यहां कहां से आएगा। तस्मात निराशंकमेव ज्ञान लाभय और एकार्थत्व विवक्षण आह। इसलिए बिना किसी शंका के ज्ञान और लाभ एक ही देख करके उन्होंने बोला है, ज्ञानम प्रकृत्य अनुविंदे दीति। माने संदर्भ ज्ञान का चल रहा है, प्रसंग ज्ञान का चल रहा है, फिर भी दोनों एक ही है, देख करके बोला है कि पा लेता है। विंदते लाभार्थत्वात्, विंदते ये शब्द ही लाभ के अर्थ में है। विंदते माने पा लेते हैं, ऐसा ही अर्थ है। और इसलिए ये जानबूझ करके ज्ञान के प्रसंग में लाभ बोला है, क्योंकि ज्ञान और लाभ एक ही है। अब जो है वो उपासना के फल के रूप में उसको कीर्ति और श्लोक मिल जाता है, वो होता है गुण विज्ञान फलम इदम उच्चते। ये तो एक सेकेंडरी, एक गुण माने वो उसका हमने देखा, इसलिए हमको ये बाहर की चीजें मिल गई साथ में। यथा अयम आत्मा नाम रूप अनुप्रवेश ख्याति गता, यानी आत्मा जब नाम रूप में प्रविष्ट हुआ तभी हम इसको जान पाए। आत्मा इत्यादि नाम रूपाभ्याम प्राणादि संवतिम च श्लोकम प्राप्तवान। इसमें है कि श्लोक और कीर्ति, कीर्ति और श्लोक मिलता है उसको। तो कीर्ति माने प्रसिद्धि, ये नाम रूपों में से हमको मिल रहा है, ये प्रसिद्धि उसकी। और श्लोक का अर्थ होता है संधि, कुछ चीजों का इकट्ठा कर लेना, ये श्लोक का अर्थ होता है। अब ये नाम रूप के द्वारा उसको प्राण भी मिल गया, इंद्रियां भी मिल गई, शरीर भी मिल गया, इसलिए कहते हैं श्लोक मिल गया। इति एवं यो वेद, ऐसी जो जानता है, उपासना करता है, सब कीर्ति ख्याति। तो कीर्ति माने दुनिया में प्रसिद्धि, श्लोक माने संघातम इष्टे सहवे, उसको अपने बंधु बांधव अच्छे सब मिल जाते हैं, ऐसा एक कीर्ति और श्लोक मिलता है। लभते यद्वा, आप कह रहे हैं, और इसका एक अर्थ भी हो सकता है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के रूप में, यथा उक्तम वस्तु यो वेद मुमुक्षाणाम अपेक्षितम कीर्ति शब्दितम ऐक्य ज्ञानम। बोले मुमुक्षु की कीर्ति माने एकत्व का ज्ञान। तो ये जैसा अभी तक बोला, ये जान लिया मुमुक्षु ने, तो उसको कीर्ति मिल गई, माने उसको जो ज्ञान चाहिए था वो मिल गया। तत्फलम श्लोक शब्दितम मुक्तिम, और श्लोक शब्द का अर्थ मुक्ति ले लो, ज्ञान मिल गया तो उसका फल मुक्ति मिल गई। आपनोति इति मुख्यमेव फलम, माने गुणवाचक फल मिल रहा था, पर इसका मुख्य फल भी अर्थ हो सकता है। ये अर्थवाद ऐसे फालतू के नहीं है, ऐसे अर्थवाद दिखते हैं बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ब्रह्म ही हो जाएगा, तो इसलिए ये मुख्य फल भी इसका है। कीर्ति माने इच्छित ब्रह्म ज्ञान, श्लोक माने ब्रह्म प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति। अब हम आठवें मंत्र पे आते हैं, ये इसका एक सहपठित मंत्र है, यानी इसका अर्थ पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। तदेतत् प्रयः पुत्रात् प्रयो वित्तात् प्रयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यद अयम आत्मा स यो अन्यम आत्मना प्रियम ब्रुवाण ब्रुयात् प्रियम रोचिति इति ईश्वर हो तथा एव स्याद। यहां पर एक वाक्य खत्म हो गया। इसलिए आत्मा नाम एव प्रियम उपासित,
ये उपासित के साथ ये जोड़ना है। सही आत्मानमेव प्रियम उपासते न अस्य प्रियम प्रमायुकम भवति। यानी आत्मा को हम आत्मा बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना, अति सूक्ष्म निर्गुण, तो क्या लेकर के हम इसकी उपासना करें, क्या पकड़ करके हम उपासना करें, ऐसा मन में आ रहा है हमारे। उसका जवाब हो रहा है कि प्रिय है, आत्मा ही प्रिय है। देखो ये जो प्रिय शब्द है ना, और आनंद शब्द है, एकार्थी है ये। जो प्रिय होता है वो पाने से आनंद होता है, आनंद जब अनुभव में आता है तो हम उसको प्रिय कहते हैं। यानी साधारण जो शब्द है ना आत्मा के, सच्चिदानंद, तो एक ऐसे एक ऑब्जेक्टिव वस्तु जैसे हो रहे हैं, यही जब अनुभव होता है तो कहते हैं अस्थि भाति प्रिय। हाँ है, दिखता है और प्यारा है। तो ये आत्मा स्वरूप का ही आनंद स्वरूप जो है ना उसको ला करके बोला जा रहा है। अब तक ज्ञान स्वरूपता ही चल रही थी और ज्ञान के साथ अस्तित्व तो अपने आप ही था, यही था, यही है, ये था तो है और जानना चल रहा था। अब यहां पर उसका आनंद स्वरूपता ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बाहर की जो चीजें प्रिय हमारे, साधारणतः सबको अपना बेटा प्रिय होता है, तो ये बेटे से प्रिय है। किसी किसी को पैसा प्रिय होता है, पैसे से भी प्रिय है। अब इतने दो तो बताए, नाम कितने गिनाएंगे। कह रहे हैं कि जो भी है दुनिया में प्रिय उससे ही अधिक प्रिय है, क्योंकि ये सबसे भीतरी है। यानी यहां पर एक इंगित मिल रहा है, मैं कहानी बताऊंगा आपको, कि प्राण सबसे प्रिय होते हैं। नहीं, ये प्राण से भी भीतरी है, ये जो चैतन्य है, ये जो बोध है, ये प्राण से भी भीतरी है। ये मैं बोध होने पर तो प्राण चलते हैं, प्राण नहीं है पर चैतन्य है। श्री रामकृष्ण जी की निर्विकल समाधि देख लो। मैंने कहा प्राण नहीं है चैतन्य है, चैतन्य नहीं है प्राण है, वो तो दिखाने का प्राण है। मैंने क्या कहते ऑटोमेशन, हमने मशीन चला दी, वो तो कोई प्राण नहीं है ना। तो चैतन्य नहीं, वहां कुछ नहीं, चैतन्य सबसे भीतरी चीज है। और ये जो शक्ति है, ये जो प्राण है, ये तो बाद में। तो इसलिए कह रहे जो भी प्रिय हो सकता है उस सबसे अधिक प्रिय है। अन्य समाज सर्वस्माद, क्योंकि ये सबसे भीतरी है। अंतरतरम यद अयम आत्मा सयो अन्य, अभी इसका एक बाहर का उदाहरण दे रहे हैं। सयो अन्य आत्मा ना प्रियम ब्रुवाणम ब्रुयात, माने एक आदमी है जो इस चीज को नहीं मान रहा है, वो बाहर की किसी चीज को ही प्रिय मानता है। अब जिसको आत्मा ही प्रिय मालूम है, वो अगर उसको कहे कि तेरा प्रिय मर जाएगा, कह सकता है, ईश्वर है वो। माने जिसने आत्मा को प्रिय जाना है वो समर्थ है, ईश्वर का अर्थ होता है समर्थ है। वो उसको कह सकता है कि तेरा प्रिय मर जाएगा, क्योंकि प्रिय बाहर की चीज है और बाहर की चीज तो मरेगी। इसलिए इतना सा वर्णन करके कह रहे हैं कि आत्मा ही प्रिय है, ऐसी उपासना करो। यह आत्मान माया है द्वितीय, पर यहां ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आत्मा, पर आत्मानम एव प्रियम, आत्मा ही प्रिय है। प्रियत्व गुण देख करके उपासना कर सकते हो, यह है, करनी चाहिए। अब कोई आत्मा को प्रिय देख के उपासना करता है, उसका जो प्रिय होगा, अब उसका बाहर तो कुछ प्रिय होगा ही नहीं, उसका आत्मा ही प्रिय होगा। परंतु उस आत्मा का रिफ्लेक्शन जिसमें देखेगा ना, वो उसको प्रिय प्रतीत होता है। जैसे श्री रामकृष्ण के लिए नरेंद्र नाथ है अपने दूसरे शिष्य, तो वो आत्मा ही है। जैसे अब स्वामी विवेकानंद को लोग करें, श्री रामकृष्ण बहुत अधिक प्यार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि ये तो भरत राजा जड़ भरत जैसी कद हो जाएगी गति आपकी, नरेंद्र नरेंद्र करेंगे तो।
तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तेरे में नारायण देखता हूं इसलिए प्यार करता हूं, नारायण नहीं देखूंगा तो तेरा मुंह भी नहीं देखूंगा, तो इसलिए इनका प्यारा मन है नारायण। और उस नारायण को भीतर देख रहे, बाहर भी देख रहे, और बाहर जहां उसका प्रतिबिंब बोलो या प्रकटीकरण ज्यादा है, वहां प्यार ज्यादा देखता है, और वो कभी अल्पायु नहीं होगा, मरेगा नहीं। अब अल्पायु तो नहीं होगा, उनका आत्मा ही अल्पायु नहीं होगा, और जो जो उनका प्यारा है वो भी क्यों मरेगा जल्दी, वो भी तो अमर है, अनंत है। तो इसलिए एक फल के रूप में ये बता दिया है आचार्य, कह रहे इसमें कुतश्च आत्म तत्व मेव गेयम अनादृत्य अन्य द्वितिया, यानी बाकी सब छोड़ करके आत्मा को ही पाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए, आत्मा को ही जानने की कोशिश क्यों करनी चाहिए बाकी सब छोड़ करके। मैंने जब तक एकाग्रता नहीं आती मन में तब तक नहीं होने वाला है, आत्मा भी चाहिए और लड्डू पेड़े भी चाहिए, उसका नहीं होने वाला है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके आत्मा को क्यों प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाहर की जो चीजें प्रिय लगती है ना, वो इसी के कारण लगती है। बाद में याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद में वो भी बताएंगे, पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं, आत्मा के लिए प्यारी है, पति पति के लिए प्यारा नहीं, आत्मा के लिए प्यारा, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र राजा उसके लिए प्यारा नहीं होता, ब्रह्म के लिए आत्मा के लिए प्यारा होता है। तो आचार्य कह रहे तदेतत् आत्म तत्व प्रया प्रियतरम पुत्रा, प्रया माने प्रियतरम अधिक प्यारा, पुत्र से भी, पुत्र ही लोके प्रिय प्रसिद्ध तस्मादपि प्रियतरम इति निरतिशय प्रियतम दर्शयति। साधारणतः लोगों में बेटा बहुत प्यारा होता है, तो ये उससे अधिक प्यारा दिखाने से विशेष प्यारा है ये दिखा रहे। तथा इत्यादि हिरण्य रत्न दे, किसी के लिए सोना जवाहरात ये प्रिय होता है। तथा अन्य स्माद यद यद लोके प्रियत्वेन प्रसिद्धम तस्मात् सर्वस्माद इत्यर्थ। इस दुनिया में प्रिय नाम से जो भी कोई प्रसिद्ध है उससे भी आत्मा प्रिय है। अब इसमें एक प्रसंग उठाया है, मैं कहानी बताऊंगी इसकी। तत्कस्मात् आत्म तत्व में वो प्रिय तरम न प्राणादि, लोग तो कहते हैं प्राण से प्रिय है, और प्राणी सबको अपने प्रिय होते हैं सबसे ज्यादा, तो यहां प्राण छोड़ के आत्मा को प्रिय कैसे बताए। इति उच्यते अंतरतरम बाह्यात् पुत्र वित्तादे प्राण पिंड समुदायो ही अंतरो अभ्यंतरा सन्निकृष्ण आत्मना तस्मादपि अंतराद अंतरतरम यदयम आत्मा यदेतत् आत्मतत्वम। बात ऐसी है कि बेटा हो पैसा हो, प्राण तो भीतर ही है ना, इसलिए प्राण आत्मा के सबसे पास में है ना, इसलिए वो प्यारा लगता है। इसलिए जितने भी बाहर की चीज है उससे प्राण प्यारा है मानना पड़ेगा, परंतु ये प्राण से भी भीतरी चीज है। नियरेस्ट ऑफ द नियर विल बी डियरेस्ट ऑफ द डियर, सबसे पास की चीज है, सबसे भीतरी चीज है, इसलिए ये सबसे अधिक प्यारा है। अब इसके मैं एक कहानी बताता हूं। अकबर बीरबल के नाम से कहानी प्रचलित है कि अकबर का कहना था बेटा सबसे अधिक प्रिय होता है, और बीरबल का कहना था प्राण सबसे अधिक प्रिय होता है, पहले करके दिखाओ। तो एक टैंक बनाया गया, उसमें एक बंदरी उसके बेटे को लेकर के छोड़ी गई और फिर पानी छोड़ना शुरू किया। अब जैसे जैसे पानी के लेवल बढ़ रहा है सतह, वैसे वैसे वो बेटे को ऊपर 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 उठा रही है, बिल्कुल बंदरी के गले तक पानी आ गया तो उसने बेटे को सिर पर उठा लिया। अकबर कह रहे देखो देखो देखो, बीरबल ने कहा और रुकिए, अब जो पानी बंदरी के नाक के ऊपर आ गया उसने बेटे को नीचे रखा, उसको स्प्रिंग जैसा यूज किया, उस पर पैर छलांग मार के टैंक से बाहर निकल गई। तो देखो प्राण सबसे अधिक प्रिय होता है कि नहीं, ये कहानी है।
तो वहां पर यही सवाल आता है कि ठीक है, प्राण सबसे अधिक प्रिय है, बेटे से भी पैसे से भी। पैसे के बारे में तो बताते ही है, सिर सलामत तो पगड़ी 50, यानी बचे रहे तो पैसे से कमा लेंगे, तो बचे रहे ना मैंने भी प्राण। अब यहां पर है आचार्य कह रहे, देखो प्राण तो बाहर की चीज हो गई, वो मय ज्ञान होने से प्राण होता है, और नहीं तो आत्मा स्वरूप ये तो चैतन्य, ये तो सबसे भीतरी है। इसलिए यो ही लोके निरतिशय प्रिया स सर्व प्रयत्न न लब्ध व्योग होती, जो सबसे अधिक प्रिय है सब प्रयत्न से उसी को पाने की कोशिश करना चाहिए। तथा अयम आत्मा सर्वलौकिक प्रियभ्य प्रियतमा, इसलिए आत्मा ये दुनिया की किसी भी प्रिय चीज से सबसे अधिक प्रिय है। तस्मात तद लाभे महान यत्न करता, इसलिए उसको पाने के लिए सारी कोशिश लगा देनी चाहिए, यह अर्थ हो रहा है। कर्तव्यता प्राप्तम अन्य प्रिय लाभे यत्न उज्जित्वा। अब जैसे संसार में शादी करो पैसे कमाओ, ये कर्तव्य मान लिया जाता है, और उसे दूसरा कुछ प्रिय चीज प्राप्त होनी है हमको। दूसरी प्रिय चीज पाने के लिए हमें कर्तव्य लगा दिया जाता है, किंतु उसको पाने का हमारा जो कोशिश है उसको छोड़ करके उज्जित होने उखाड़ के फेंक दे के आत्मा को पाने की कोशिश करने, क्योंकि वो सारे भी आत्मा के कारण प्रिय है और आत्मा ही असली प्रिय है। इसलिए ये आठवां मंत्र और सात्विक का पूरक मंत्र है। कस्मात पुनः आत्मा अनात्म प्रिय और अन्यतर प्रिय हने न इतर प्रिय उपादान प्राप्त प्रिय उपादान प्राप्त हो आत्म प्रिय उपादान अनेन वा इतर हानम क्रियते न विपर्य। यानी दिखने को तो आत्मा और अनात्मा दोनों पाने की चीजें प्रिय लग रही है, तो फिर इसको छोड़ करके उसके हानि करके इसको क्यों पाने की कोशिश करना है। लोग कहते हैं आत्मा के पीछे पड़ोगे तो जगत में हानि हो जाएगी। स्वामी जी ने जवाब दिया इसका, मान लो थोड़ी बहुत हानि हो भी गई, पर आत्मा के लिए कोशिश नहीं करोगे तो ये भी जाएगा और वो भी जाएगा, क्योंकि ये तो असत्य ही है। इति उच्यते सया कश्चित अन्यम आत्म विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्मना सकाशात ब्रुवाणम ब्रुयाद आत्म प्रियवादी। यानी कोई दूसरा है जो बेटे या किसी चीज को आत्मा से अधिक प्रिय मानता है, अभी जो आत्मा को ही प्रिय मानता है ना, ये उसे कहेगा, क्या कहेगा, किम प्रियम तव अभिमतम पुत्रादि लक्षणम रोत्से इति आवरणम प्राण संवर्धम प्राप्स्यति विनक्षति इति। यानी बेटा या जो भी कुछ तुझे प्यारा लग रहा है ना, ये रोएगा का अर्थ होता है कि इसके प्राण चले जाएंगे, नष्ट हो जाएगा ये। सर कस्माद एवं ब्रवीति, वो ऐसा क्यों कह सकता है। यस्माद ईश्वर समर्था पर्याप्त असु एवं वक्तुम यह, ये समर्थ है ऐसा कहने में, क्योंकि उसके लिए आत्मा प्रिय है। यहां यस्मात तस्मात तथा एवं स्याद, और वो कहेगा वैसा हो भी जाएगा। यह तेन उक्तम प्राण संरोधम प्राप्स्यति, वो मर जाएगा इसने कहा है वो भी ठीक है। यथा भूतवादी हिसा, वो तो सत्य बोलने वाला है, तस्मात से ईश्वर हो तुम, इसलिए बोलने में समर्थ है वो। अब कुछ लोग ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं, वो बताना पड़ेगा आचार्य को, नहीं तो कहते हूं ईश्वर का अर्थ ही ठीक नहीं किया। ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची इति केचित, कोई कहते ईश्वर शब्दों ने जल्दी से, ऐसा अर्थ होता है। भवेद यदि प्रसिद्धि स्यात, बोले हमने तो ये नहीं सुना, अगर ये प्रसिद्ध हो किसी ने कमेंट्री में लिख दिया होगा, इसलिए भाष्य में
टीका वार्ती। तो आचार्य कह रहे हमने तो ये सुना नहीं, तो कोई प्रसिद्ध नहीं है। तस्मात उज्जित अन्य अन्य प्रियम आत्मानमेव प्रियम उपासित, इसलिए बाकी सब प्रिय वस्तुएं उखाड़ के फेंक दो और आत्मा को ही प्रिय है वही उसी की प्राप्ति की कोशिश करो। स या आत्मानम एव प्रियम उपासते, आत्मैव प्रियो न अन्यो अस्ति इति प्रतिपद्यते। यानी जो आत्मा को ही प्रिय रूप में लेकर उपासना करता है, इसका अर्थ दूसरा कोई प्रिय नहीं, आत्मा ही प्रिय है ऐसा जान लेता है। अन्यत लौकिकम प्रियम अपि अप्रियमेव इति निश्चित्य, लौकिक में प्रिय लगने वाली चीज भी प्रिय नहीं है ऐसा निश्चय हो जाता है। उपास्ते चिंतयति, अब इसका दूसरा रूप मैंने बताया, मैंने बाहर की कोई चीज प्रिय नहीं है तब आत्मा का ज्ञान होता है। परंतु कह कह ये छूट गया छूट गया, उसका छूटेगा कुछ नहीं, आत्मा को पाले तो सब कुछ पा ही लेगा, ये भी बताएंगे। न अस्य एवं विदा प्रियम प्रमायुकम प्रमरणशीलम भवती, यानी जल्दी नहीं मर जाएगा, अपमृत्यु नहीं होगी। नित्यानुवाद मात्र एतत्, ये तो नित्य होने वाली चीज है, उसको खाली भाषा में बता दिया। आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य अप्रियस्य च अभावात्, उसको आत्मा छोड़ के प्रिय अप्रिय कोई है ही नहीं दुनिया में, आत्मा ही तो प्रिय है, आत्मा ही बाकी सब रूपों में दिख रहा है। आत्म प्रिय ग्रहण स्तुत्यर्थम वा प्रिय गुण फल विधानार्थम वा मंदात्मा दर्शिना, आत्मा ही प्रिय लेने पर क्या होता है, आत्मा ही बाकी सब ही नहीं उसके लिए। या दूसरा ऐसा है कि मंदात्मा दर्शिना, मैंने जिसको ये अभी इतनी दृढ़ धारणा नहीं हुई है उसको कह रहे हैं, कह रहे भाई आत्मा ही प्रिय होगा ना तो सब मिल जाएगा, दूसरा प्रिय होगा तो मर जाएगा, ऐसा ये पूरा विवेचन। या तो उसकी स्तुति है स्वरूप है वो, या जो मंदात्मविद है जो अभी ज्ञान पा रहा है उसको दृढ़तर करने के लिए भी ये हो सकता है। ताच्छील्य प्रत्यय उपादान, शील प्रत्यय होता है, इसमें तो शील ही लिखा हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है नास्य प्रियम प्रमायुकम भवती। हाँ माने ये उसका स्वभाव हो जाता है, शील प्रत्यय माने उसका प्रमायुकम ये शब्द है ना क, इसका अर्थ है कि जल्दी न मरने वाला स्वभाव है उसका। तो स्वभाव से हमको दिखता है कि ये स्वरूप का ही लक्षण है, क्योंकि उसको ये गुणवाचक है ये भी हो जाता है। तो आठवां मंत्र सात्विक का पूरकता हो गया। अब एक विशेष घोषणा कर रहा हूं मैं, विशेष बात बतानी है कि नवा मंत्र जो है ना ये दसवें का इंट्रोडक्टरी मंत्र है। नवा और दसवां मिलकर के एक व्याख्यान पूरा हो रहा है, और दसवें मंत्र की 40 पेज व्याख्या है। तो अभी नवरात्रि आ रही हैं, अभी ये नहीं हो पाएगा। फिर मैं 17 तारीख को यहां से कलकत्ता जाके 18 को पहुंचूंगा, तो अगला क्लास 19 अक्टूबर को होगा बता रहा हूं मैं। ये सातवां और आठवां मंत्र चौथे ब्राह्मण का हो गया पहले अध्याय में। अब नवा मंत्र जो पढ़ना है ये कल तो रविवार है, परंतु परसों नहीं पढ़ना है, अब नवरात्रि आ रही है और वो हो नहीं पाएगा। तो इसलिए नवरात्रियों के बाद 17 तारीख को मैं यहां से कलकत्ता जा रहा हूं, 18 को पहुंच रहा हूं, इसलिए 19 को शुरू करेंगे ये क्लास अगला। तो बृहदारण्यक उपनिषद का सब लोग सुन रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का चौथे अध्याय में 8 मंत्र पढ़ना हो गया, 9 मंत्र का जो क्लास है वो तारीख याद रखे, उसी दिन हम लोग इसको अलग चालू कर देंगे। तो 19 अक्टूबर ये वार है मंगलवार, 18 तारीख सोमवार है, और सोमवार को मैं
10 सवा 10 बजे पहुंचूंगा तो क्लास नहीं कर सकता उस दिन, अगले दिन से क्लास हो जाएगा वहां पर, ठीक है। ये घोषणा थी, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।